गड्ढों में तब्दील हो चुकी सड़कें जानलेवा साबित हो रही है। सड़क पर गड्ढों और खराबी की वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है। सरकारी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि सड़क पर परिवहन मंत्रालय के मुताबिक साल 2020 में सड़क पर गड्ढों से हो रहे हादसों की संख्या 3,564 थी। 2021 में ये आंकड़ा और बढ़ गया। वहीं इस साल जनवरी से जुलाई तक गड्ढों की वजह से 559 दुर्घटनाएं हुई है। इनमें 213 लोगों की मौत हो गई और 442 लोग घायल हुए हैं। ऐसे इस साल लोगों की जान बचाने के लिए कर्नाटक के एक समाज सेवी ने जो तरीका अपनाया उसकी इंटरनेट की गलियों में जमकर तारीफ हो रही है। उडपी शहर की सड़कों पर मौजूद जानलेवा गड्ढों से लोगों को बचाने के लिए इस शख्स ने पानी भरे गड्ढों के ऊपर से लेटकर यानी दंडवत परिक्रमा की तो वहां आसपास के गुजर रहे लोग अपनी गाड़ियों रोककर उसे देखने लगे। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक सड़क गड्ढों के अलावा हादसे के अन्य कारण भी होते हैं। इनमें तेज रफ्तार का कहर, मोबाइल फोन का उपयोग करना, शराब के नशे में गाड़ी चलाना, नशीले पदार्थ का सेवन, अति भार वाहनों की स्थिति, खराब रोशनी की स्थिति, रेड लाइट नियम तोड़ना, ओवरटेक करना, नगर निकायों की अपेक्षा, मौसम की स्थिति, चालक की गलती, गलत साइड से गाड़ी चलाना, सड़क की स्थिति की खराबी, मोटर वाहन की स्थिति में खराबी आदि कारण होते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था, भारत में सड़क दुर्घटना 415 लोग रोज मारे जा रहे हैं। अगर 2030 तक हम राह देखते रहेंगे तो 6-7 लाख लोग इसमें मर जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य 2025 तक सबसे सहयोग से सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें और दुर्घटना में 50% की कमी लाना है। इसके लिए सड़क में जानलेवा गड्ढों को भरने के साथ एक्सीडेंट के ब्लैक स्पॉट्स की सुविधाएं बनाने के लिए मंत्रालय तेजी से काम कर रहा है।